subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas. कैसा था इनका पहला इम्प्रेशन? कैसा जैसे शुरू शुरू में जब आपने इनके साथ काम शुरू किया तो पहला इम्प्रेशन आप? कोई नहीं, कोई अच्छा इम्प्रेशन पड़ा था? अच्छा इम्प्रेशन था, वेरी प्रोफेशनल. मेरी हसीब से बात हुई तो मैंने बातों बातों में कोई इस किस्म की बात हुई कि भाई कौन मेरे साथ कौन कहने लगा कि वो मंजर साहब मैंने पहले एक और खातून है उनका नाम लिया उसने कि उनको फोन किया लेकिन वो मानी नहीं तो फिर मैंने इनको फोन किया तो मैं तो जानता नहीं था मतलब नाम सुना होगा डेफिनेटली मतलब पूरी दुनिया में जानते हैं लेकिन मुलाकात कभी उससे पहले हुई नहीं. अच्छा तो उसने कहा कि मंजर साहब उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे साथ बंदा कौन है? कौन है? तो मैंने आपका नाम ले दिया. तो कहने लगा आधा घंटा सन्नाटा छा गया वहां पे, जवाब ही नहीं आया. ऐसे हसीब कहानी, जवाब ही नहीं आया भाई इनकी तरफ से. क्यों? वो कहता है कि वो पता नहीं वो क्या हो गया. तो मैंने फिर इनको घर पे बुलवा के मैंने पूछा भाई ये क्या ये क्या करता है तो है आप मेरे साथ बता कि ये तो पहले तो इतनी खलात थी मेरे मेरा काम खासे कि मेरे साथ काम करना जो है वो भी पहले सोचना पड़ता है ना तो अच्छा ये मेरे साथ हैं बट आई डोंट नो हिम और ये पता नहीं कैसे होंगे कर भी पाऊंगी कि नहीं इंसान को तो ये कोई यू नो ऑल दोस थिंग्स लगा सर मैं परेशान हो गया मैंने कहा कि मैंने आपका नाम लिया है तो उसके बाद खामोश कुछ जवाब नहीं आ रहा है फिर आपकी सेट पे मुलाकात तो मैंने बदला ले लिया. क्या किया आपने बदला कैसे लिया? शादी करके क्या आपने अब साथ ही रहो भाई हमारा बदला लेने का अब तरीका भी अंदाज आ रहा है. अच्छा सेट पे आइए इसी तरह हंसी मजाक इनका जो नेचर है वो अट्रैक्ट किया आपको? I don't know. Attraction नहीं है, अलग अलग होती है एज ग्रुप की अलग अट्रैक्शन होती है. इंसान मैच्योर होता है पूरी दुनिया को देखा होता है एक जाहिर इतना समझदार होता है सो उस वक्त जरा सोचने में टाइम लेता है ना बंदा. तो आपको मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको क्या अच्छी इनमें वो बात देखे मेरी बात सुना ये एक कुदरती चीज है और मेरा नहीं ख्याल कि एज का कोई फर्क होता है इसमें. हाँ मैंने तो दिल में घंटी वैसे ही बजती है. हाँ मैंने तो सोचा कि भाई इनकी उम्र क्या होगी इनके वैसे क्या इनके ख्यालात इनकी सोच क्या होगी. एक ये इंसिडेंटली होता है ये मतलब कि आप किसी इंसान को देखते हैं कुछ एक थोड़ी सी गुफ्तगू होती है आपकी आप को उसकी कोई ना कोई अदा जो है वो भा जाती है. तो मुझे तो ये शुरू से ही ये महसूस हुआ एक होता ना इंसानी फितरत है कि मेरी ख्वाहिश हुई कि अगर मुझे इनकी कुर्बत हासिल हो पाए तो मैं खुशकिस्मत हूँ. जबरदस्त. तो कैसे आपने इनको कैसे प्रपोज किया? नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इनको साफ कह दिया कि भाई ये बात है. हाँ भाई शादी करनी है मुझे. नहीं शादी की बात बाद में आई. क्या पहले ये बोला दोस्ती करनी है क्या? और नहीं यार दोस्ती वगैरह क्या तो यही तो होता है. क्या होता है मुझे क्या पता. इसको आप दोस्ती कह लें इसको आप मोहब्बत कह लें इश्क कह लें जो मर्जी कह लें भाई. आपने इनसे कहा कि आप मुझे अच्छी लगती हैं? हाँ हाँ तो क्यों नहीं ये कुछ जुर्म है? हाँ फिर आपका रिएक्शन मतलब अगर आपका ये मतलब है मैं भी कह रही हूँ आपको भी कहूँ कि आप भी बड़ी अच्छी लगती हैं मतलब ये करवाना चाहती हैं आपने. मैंने सिर्फ ये पूछा कि आपने इनको क्या कहा कि आप मुझे अच्छी लगती हैं? मैंने इनसे बिल्कुल या ये खुद समझ गई
देखे इन्होंने भी जिंदगी गुजारी है, मैंने भी जिंदगी गुजारी है, ऐसी कोई बात नहीं है। इस किस्म की बातें जो है वो आदमी ना भी करे तो आदमी समझ जाता है। ठीक है, तो हमें महसूस हुआ कि हमें शायद ये अच्छी बात हो। हाँ, थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करी थी आपकी या आप इनकी एक्स्ट्रा केयर करे थे, यही होती है ना चीजें, इससे बंदा थोड़े थोड़ा महसूस कर पाता है। हाँ। आप चाय पियेंगे, मैं पी रही हूँ, मंगवाओ। हाँ। है ना, ये छोटी छोटी बातें होती है। ये कभी आप गजरे वजरे ले आए इनके लिए? वैसे इन्होंने अपनी चाय कभी जिंदगी में खुद नहीं बनाई है ये। नहीं, मैं तो सेट पे कह रही हूँ ना, सेट की बात कर रही हूँ कि सेट पे चाय मंगवा रही हूँ मैं अपने लिए, आप पियेंगे या खाना खाएंगे? नहीं नहीं, ऐसे 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 तो मैंने आपको याद नहीं। अच्छा, जब आपको ऐसी फीलिंग शुरू हुई आपने किससे डिस्कस किया, आपके करीब कौन सी दोस्त? किसी से नहीं, किसी से भी नहीं, जो भी आपकी दोस्तें हैं फील्ड में या बाहर, किसी से भी नहीं, बच्चों से किसी से? लेटर जब एक दूसरे को हमने समझ लिया, जान लिया, तो थोड़ा थोड़े बहुत बातचीत हमारी हो गई। ये तो चले गए जर्मनी अपने गांव। ये तो चले गए बाहर डाल के चले गए अपने गांव। इन्होंने सोचने का मौका दिया आपको या और कर? फिर फोन के ऊपर बातें। ओहो, तो मैं ये कह रही हूँ ना कि देखो जब कोई भी एज हो ना, हाँ, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, सेम होता है, तो इट वाज ऑल लव स्टोरी इज सेम। वैसे ही रात को बातें, इनका टाइम फर्क है, टाइम मेरा, मैं इंतजार कर रही हूँ, अच्छा अब ये क्या टाइम हुआ होगा, गूगल में टाइम में देखें कि अच्छा बर्लिन में अब ये टाइम है। हाँ। अब मैं फ़ोन करूँ तो अब ये जाग गए होंगे। हाँ। मे बी इट इज़ टू लेट, मे बी इट इज़ टू अर्ली, इस किस्म के ये जो होते हैं। फिर मैसेज किया, यू अवेक, कैन वी टॉक। वही है ना, आजकल के नौजवान जो है वो तो यही कहते हैं कि यार देखो इनकी उम्रें देखो यार। कौन कहता है, है? कोई नहीं कहता है, कहते हैं बिल्कुल कहें, लेकिन उनके लिए अजीब सी बात है, अचंबा है कि भाई हैं, उम्रें देखो यार, ये लेकिन जब आप लोगों की टांगे इनकी कब्र में है वो ये इसकी बातें कर रहे हैं। अच्छा नहीं, आपकी आप एटीट्यूड भी है हमारे माशरे में तो है ना, सोशल मीडिया पे जब आपकी पिक्चर आई थी तो ट्रोलिंग नहीं हुई थी? नहीं हुई, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं हुई थी, बिल्कुल। मैं कहता हूँ और यही एक बात है कि जब मैंने इनसे कहा कि हमें निकाह करना चाहिए तो इन्होंने वही खामोशी इख्तियार की जो अजीब हसन के फोन पे आई थी, तो खामोशी एक पॉज होता है, उसमें भी डोमेटिक एरोमेटिक पॉज था, वो डोमेटिक पॉज है। हाँ। और मैं भी रूसी ट्रांसफर चला गया। तो कहने लगी कि वो लोग क्या कहेंगे भाई। हाँ, आपको भी सबसे पहले यही आया दिमाग में, लोग क्या कहेंगे? हाँ। मैंने कहा कि अजीब बात कर रही है ये। हाँ। लोग क्या कहेंगे, कौन लोग? हाँ। मैं तो नहीं जानता किसी को। हाँ। तो मैंने कहा भाई जिंदा हमने रहना है एक दूसरे के साथ। हाँ। एक दूसरे को बर्दाश्त हमने करना है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो यार।